स्वागत है सभी का एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं टाटा प्ले के व्यूवर्स के लिए। जो भी लोग टाटा प्ले डीटीएच सर्विस का अपने घर पर यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट लेकर आया हूं, क्योंकि यहां पर मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर टाटा प्ले के प्लेटफॉर्म पर। आज की डेट है 2 अक्टूबर 2023, यानी कि गांधी जयंती का दिन है, और आज के दिन तक कौन कौन से हिंदी और इंग्लिश म्यूजिक चैनल टाटा प्ले के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं, लोगों सहित चैनल नंबर सहित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि टाटा प्ले डीटीएच सर्विस परचेज करना और वहाँ पर कितने हिंदी म्यूजिक चैनल्स और इंग्लिश म्यूजिक चैनल्स देखने को मिलते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है अपना डिसीजन फाइनल कर सकते हैं। उसी के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया, इससे पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आई बटन में और रेड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो मैं आपको दे दूंगा, जो कि ओल्ड वीडियो है, काफ़ी समय पहले मैंने जो है बनाया था, आप उसको वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल लोग सब्सक्राइब पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट जब भी मैं लेकर आऊँ आप जो है मिस नहीं करो। बात करूँगा इस वीडियो में टाटा प्ले यूजर्स के लिए। आगे आपको जो है कम्प्लीट हिंदी और इंग्लिश म्यूजिक चैनल्स की लिस्ट दिखने वाली है। वीडियो में चैनल नंबर, चैनल का लोगो, सब कुछ आपको आगे वीडियो में दिखने वाला है। वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन जानकारी जो है आपको यहाँ पर परफेक्ट मिली है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो पर कि वीडियो कैसा लगा जरूर कीजिए।